हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज मैं ये देखिए थंब वाली सॉक्स लेके आई हूँ बिगनर के लिए, बहुत ही इजी तरीके से और एक ही सिलाई पे डिजाइन बनेगा, बाकी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे हम इसको। ये देखिए, और ये मैंने 4-5 नंबर साइज है, सबसे छोटा साइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 4 धारियाँ बना ली हैं, 1, 2, 3, 4। इस पर मैंने 52 फंदे डाले हैं। 52 फंदे डालने के बाद 4 धारियां उल्टी उल्टी बना ली और 5वीं उल्टी साइड से यहाँ तक दूसरा कलर बना लिया। अब देखिए 25 फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे, इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 और 25 फंदे इस साइड और 25 इस साइड छोड़ेंगे और बीच के दो फंदों पे देखिए हम डिजाइन बनाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे पहले। ये देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाया और इस वाले फंदे को यहाँ लगा दिया, धागा आगे करा, इसको उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे करा, एक फंदा फिर बनाया। ये फंदा हम दो फंदे हमने उतारने नहीं है, बस 8 फंदे इसी पे बनाने हैं। दो हो गए, तीन, एक ही सिलाई का डिजाइन है, बस इसी सिलाई पे डलेगा। 6, 8 फंदे बनाने हैं हमने इसी पे। देखिए आगे लगा दिया, ये 7 और अब लास्ट फंदा बनाएंगे और ये 8। अब धागा आगे करके इसको भी उल्टा बना देंगे। अब ये दो फंदे हम छोड़ देंगे और अगले 25 फंदे वैसे ही उल्टे बना देंगे। देखिए इसके बाद 3 धारियां, 6 सिलाइयां हम इन्हीं फंदों की बनाएंगे उल्टी उल्टी। दिखा देती हूँ मैं किस तरह से 25 फंदे बना के। लास्ट का भी हम इसी तरह से बना देंगे और अब इस वाले कलर से हम 6 सिलाइयां बनाएंगे दोनों साइड से उल्टे उल्टे इन्हीं फंदों को। और उसके बाद फिर हम दो फंदे पे, बीच वाले दो फंदों पे, दोनों साइड आधा आधा करके बीच के दो फंदों पे फिर हम फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। देखिए अब ये देखिए 3 धारियां, 1, 2, 3 बनाएंगे और फिर सेंटर वाले दो फंदे छोड़ेंगे, दोनों साइड बराबर बराबर फंदे छोड़ेंगे, फिर ये वाला डिजाइन बनाएंगे, फिर 3 धारियां बनाएंगे, फिर ये वाला डिजाइन। इसी तरह से हमने दोनों साइड बराबर फंदे और बीच के दो फंदों पे ये वाला डिजाइन। तो 1, 2, 3, 4 4 डिजाइन बनाए मैंने ये 4-5 नंबर पॉन्ग के लिए। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आगे आप इसके डिजाइन बढ़ा सकते हो जिससे हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ तक बना लीजिए, फिर इसके बाद फिर मैं अंगूठे। अब देखिए फ्रेंड एक बार फिर बता देती हूँ इस तरह से डिजाइन डालना। तो पहले हमारे पास से 52 फंदे थे, अब इस वाले में हमारे 6 फंदे और बढ़ गए हैं, दोनों साइड 3-3 फंदे। तो पहले हमने यहाँ पे 25 फंदे बनाए थे, अब यहाँ पे हम 28 बनाएंगे, 28 ही तरह बीच के दो फंदों में फिर से वैसे ही। इस तरह से हमारे हर एक डिजाइन पे जो हम पीले कलर का डिजाइन बनाएंगे उसमें 6 फंदे बढ़ते जाएंगे।
पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अरे अट्ठाईस। अब धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों पे हम फिर से वैसे ही डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से लगा दिया, फिर धागा आगे करा, इसको उल्टा बना दिया, फिर धागा पीछे करा, एक फंदा फिर सीधा बना लिया धागा। इस तरह से हमें चार डिजाइन बना लेंगे, और फिर चार डिजाइन बनाने के बाद मैं आपको अंगूठे बनाना बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड, एक दो तीन चार डिजाइन बनाने के बाद तीन धारियां हमने उल्टी उल्टी बना ली हैं। अब ये धारियां बनाने के बाद 38 फंदे हम इस साइड करेंगे, 38 फंदे इस साइड, तो 76 फंदे हमारे टोटल। अब ये देखिए, यहाँ तक मैंने 38 फंदे बना लिए हैं। अब हम एक साइड के बनाएंगे पहले, और एक साइड हम बाद में बनाएंगे। तो दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा आठ धारियां बनाएंगे, तीन और आठ और, इस तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहीं से पीछे मुड़ जाएंगे और इसी साइड को बनाएंगे पहले, और दूसरी साइड हम बाद में बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ दोनों साइड से, फिर आपको सिलना और अंगूठे बनाना बताऊंगी, किस तरह से इसके अंगूठे बनाने हैं हमने, और सॉक्स को किस तरह से सिलना है। देखिए इस साइड से भी सभी फंदे हमने उल्टे बना लिए, ये हमारी सीधी साइड है। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारी उल्टी साइड है, तो यहाँ से भी हम 38 फंदे ही उल्टे उल्टे बनाएंगे, और उसके बाद फिर सीधी साइड को भी उल्टा और उल्टी साइड को भी उल्टा, इस तरह से ये वाली भी और वाली, टोटल 11 धारियाँ बना लीजिए। आठ इसकी बनाएंगे, तीन हमारी पहले की हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको।